नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज आप लोगों को बताऊंगा पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि पंजाब स्टेट की लॉटरी भी अब केरला स्टेट को कॉम्पिटिट कर रही है, क्योंकि इन्होंने भी इनाम थोड़े से बड़े कर दिए हैं। और उसी के साथ साथ अच्छी चीज ये है कि इसे भी गवर्नमेंट जो है वो खुद रेगुलेट कर रही है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार के धांधली का कोई चक्कर ही नहीं है। और दूसरा, ये अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर जो जानकारी है वो देते रहते हैं, यहां तक की जानकारी देते हैं कि आपकी टिकट जो है वो जेन्युइन है या नहीं। खैर, इन मसलों पे कभी बाद में बात करेंगे। आपको मैं आज दिवाली बम्पर 2024 की लॉटरी के बारे में बता देता हूं। तो आपको बता दूं कि ये लॉटरी वो है जिसके अंदर पहला इनाम 6 करोड़ का है, दूसरा 3 करोड़ का है, तीसरा इनाम 1 करोड़ रुपए का है। यानी प्राइस जो है वो काफी बड़े कर दिए गए हैं। इसके अंदर कुल 48,006 इनाम है। लेकिन मैं ये इनाम बताऊं उससे पहले आपसे इतना बता दूं कि 9 नवंबर 2024 को इसका ड्रॉ निकलेगा शाम को 8 बजे। तो आपके पास 8 बजे सीधा मैसेज आ जाएगा। उसके लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल के ऊपर क्लिक करना, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर जो है वो क्लिक करना। इसी के साथ आपको बता दूं कि 48,006 इनाम है वो तो अभी हम जान लेंगे कि कौन कौन से हैं, लेकिन उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इसके इनाम मिलने के निकलने के बाद मिलने की क्या प्रक्रिया रहेगी। और हम ये भी समझेंगे कि ये जो लॉटरी है इसके अंदर ऑनलाइन मंगवाने का कोई प्रावधान है या नहीं, और ऑनलाइन जो मंगवाते हैं उस पर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती है। खैर, सबसे पहले चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपन जान लेते हैं कि इसके अंदर इनाम कौन कौन से हैं। आप लोगों को बता दूं कि जो पहला इनाम है ये 2 लोगों को दिया जाएगा, 3 करोड़ रुपए पर पर्सन के हिसाब से जो है ये इनाम दिया जाएगा। दूसरा इनाम जो है वो 1 करोड़ रुपए पर पर्सन दिया जाएगा, यानी 2 लोगों को दिया जाएगा तो 2 करोड़ का टोटल इनाम है, पर पर्सन 1 करोड़ रुपए। तीसरा इनाम भी 2 लोगों को दिया जाएगा, 50 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से। चौथा इनाम जो 2,000 लोगों को दिया जाएगा, 9,000 पर पर्सन के हिसाब से। पांचवा इनाम 2,000 लोगों को दिया जाएगा, 8,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। छठा इनाम 2,000 लोगों को दिया जाएगा, 7,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। सातवां इनाम 2,000 लोगों को दिया जाएगा, 5,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। आठवां इनाम 40,000 लोगों को दिया जाएगा, 2,500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। तो ये हुए कुल 48,006 इनाम। अब रही बात कि इनाम कैसे मिलेगा, तो जब जिसको इनाम निकलेगा 10,000 से नीचे का इनाम है तो सिंपल सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे टिकट लेगा और आपको इनाम दे देगा। और इसके ऊपर का अगर कोई इनाम है तो उसके लिए एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपको चंडीगढ़ जाके और इनका जो लॉटरी विभाग बना हुआ है वहां पे अपना सबमिशन करना पड़ता है, या फिर आप कहीं और के हैं तो आप बैंक के जरिए भी अपनी लॉटरी और के चेक वगैरह वो जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं प्रॉपर वो आपको देने पड़ते हैं। लेकिन ये इनाम जब जीतोगे तो आपके पास अपने आप जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा देगा। अब रही बात की ऑनलाइन कैसे खरीदें, तो ऑनलाइन के ऊपर गवर्नमेंट के साफ साफ गाइडलाइन है कि भाई ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। लेकिन हाँ, ये गवर्नमेंट कहती है कि भारत के जो 13 राज्य हैं जहां पर लॉटरी लीगल है वहां पे दुकानों पे आप जाइए तो भी आपको हमारी लॉटरी वहां पे भी उपलब्ध हो जाएगी, वहां पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से खरीद लीजिए। अब आप में से बहुत से साथियों को ये नहीं पता होगा कि वो 13 राज्य कौन से हैं, तो इस वीडियो के अंदर जाके देखिए, आपको वो 13 राज्य जो है वो मिल जाएंगे। खैर दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर भेजे, और आप जो भी जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए ABC मार्केट।